हेलो एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। सभी बच्चों को कैसे हो सभी? तो गाइज, नेक्स्ट हम कर रहे हैं मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो दिशा पब्लिकेशन की बुक है 2006 से लेके 2019 तक के सारे क्वेश्चन। हमारा पार्ट नंबर सेकंड है, इससे पहले एक पार्ट ऑलरेडी हमारा कंप्लीट हो चुका है गाइज। तो क्वेश्चन नंबर 41 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये कहता है इफ द इनवर्स ऑफ, इसका जो इनवर्स है अगर ये है देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू बताओ। देखो, इस मैट्रिक्स को अगर ए मानूंगा तो ये क्या है, ए का इनवर्स है, ठीक है। तो अपने को पता है कि ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या होता है, आइडेंटिटी। अपने को एक्स चाहिए, एक्स यहाँ पे कौन सा एलिमेंट है, टू टू एलिमेंट। तो इस रो की प्रोडक्ट अगर मैं इस टू टू मतलब सेकेंड रो की प्रोडक्ट अगर सेकेंड कॉलम से करूँगा, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की जीरो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की एक्स, और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की एक्स आएगा। तो ए इंटू ए इनवर्स का जो टू टू एलिमेंट है वो अपना क्या आएगा, एक्स आएगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स का जो टू टू एलिमेंट होता है वो अपना क्या होता है, वन होता है। तो इसका मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा, वन आएगा। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है मेरे प्यारे, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन 42 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है ए इंटू बी अपने को गिवन है, ए अपने को गिवन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स बी। देखो, सबसे पहले ए इंटू बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं। इसका निकालोगे क्या आएगा, 20 माइनस में 44 कितना है, माइनस का 24। इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, ए का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 24। यहाँ से गाइज अगर मैं ए का डिटरमिनेंट निकालूंगा तो वो कितना आएगा, देख लो, 6 माइनस 2 कितना है, 4। यहाँ पुट करते हैं, 4 इंटू में बी का डिटरमिनेंट इज इक्वल टू माइनस का 24, तो बी का डिटरमिनेंट कितना है, माइनस का 6। तो ये आ गया आंसर, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, ये कहता है द डिटरमिनेंट आपको बताने इनमें से किस पे डिपेंड जो है वो इंडिपेंडेंट रहेगा। तो बहुत ही आसान है, सबसे पहले मैं आर टू पे ऑपरेट करता हूँ गाइस। आर टू पे क्या ऑपरेट कर लेते हैं कि आर टू में से माइनस कर देते हैं 2R1, और R3 पे ऑपरेट कर लेते हैं कि R3 से माइनस कर देते हैं 3R1। देखो, जब इसमें से इसका डबल माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, इसमें से इसका ट्रिपल माइनस करेंगे ये जीरो हो जाएगा, फिर उसके बाद डिटरमिनेंट निकालना आसान है। तो आप क्या करो, इसमें से माइनस करो इसका डबल, तो 4A माइनस में 2A तो ये 2A रहेगा, 3B माइनस में 2B तो क्या आएगा, प्लस में B आएगा, और सी वाला पोर्शन जीरो। इसमें से इसका डबल माइनस करोगे, 3A माइनस में 2A A रहेगा, और 2B माइनस में 2B जीरो, 2A माइनस में 2A जीरो हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, इसमें से इसका 3 गुना माइनस करना है तो ये आएगा मेरे पास, अरे उल्टा लिख दिया मैंने, फर्स्ट रो तो A प्लस बी प्लस सी ही आएगी, नेक्स्ट ये A प्लस बी आएगी, और ये A ही आएगी, ये सेकेंड रो हो जाएगी। थर्ड रो हमारे पास क्या आएगी, इसमें से इसको माइनस करेंगे इसको 3 से मल्टीप्लाई करके, तो ये आएगा 7A प्लस में 3B। नेक्स्ट इसमें से इसको माइनस करेंगे 3 से मल्टीप्लाई करके तो ये आएगा 3A। नेक्स्ट ये आ जाएगा जीरो। अब आप ये भी जीरो, ये भी जीरो, इस A को लेकर डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं, ये रो गया ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, तो ये आएगा 6A² और प्लस में, आप लोग एक चीज़ नोट किया, A इंटू में जो भी आए जैसे इसकी प्रोडक्ट इसके साथ आएगी और इसकी प्रोडक्ट इसके साथ आएगी, लेकिन दोनों के अंदर क्या चीज़ नहीं आने वाली, सी तो कंफर्म है कि नहीं आने वाला, ठीक है। तो इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो 6A² प्लस में 3AB, और फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे तो ये आएगा 7A² और माइनस में 3AB। देखो, 3AB से 3AB कैंसिल, तो 6 इसमें से इसको माइनस करेंगे माइनस में A², तो ये आंसर आया माइनस का A³। तो ये इंडिपेंडेंट हो गया किस पे, बी और सी पे, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। आंसर में देख लो ए आया है, तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ बी एंड सी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 गाइस, एक्स गिवन है, X² माइनस में 2X प्लस में 3, आइडेंटिटी इज इक्वल टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग आपको बताना है। तो X² माइनस में 2X प्लस में 3 इंटू आइडेंटिटी, तो सबसे पहले X का स्क्वायर निकालोगे, इसकी प्रोडक्ट इसी के साथ करनी है, 1 माइनस 2 0 3 की प्रोडक्ट 1 माइनस 2 0 3 के साथ करनी है, ये आएगा फर्स्ट इसकी प्रोडक्ट के साथ 1 और ये करोगे 0, तो आया फर्स्ट एलिमेंट 1, ये करोगे माइनस का 2 और ये इसकी प्रोडक्ट माइनस का 6, तो ये आ जाएगा माइनस का 8, ये 0 और ये भी 0 हो जाएगा। नेक्स्ट ये करोगे ये 0 और ये आ जाएगा 9, तो वैल्यू आई 1 माइनस में 8 0 9,
फिर माइनस में टू इंटू एक्स, इसको टू से मल्टीप्लाई करोगे, टू माइनस का फोर जीरो सिक्स, और प्लस में थ्री इंटू आइडेंटिटी, तो 3003। तो ये आप कर दो ऐड, वन माइनस में टू माइनस का वन हो गया, प्लस में थ्री तो ये फोर आया। माइनस के एट में से जब माइनस का फोर करोगे तो माइनस का फोर, प्लस में तो ये माइनस का फोर आया। जीरो माइनस जीरो 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 ही हो जाएगा। नाइन माइनस में सिक्स थ्री आएगा, थ्री प्लस में थ्री सिक्स आया। क्या कॉमन है मेरे प्यारे, एक मिनट, वन माइनस में टू माइनस वन प्लस में थ्री तो ये टू आएगा गाइस। क्या कॉमन है, टू कॉमन है, तो यहाँ वन माइनस टू जीरो और थ्री बचा, और ये वापस से एक्स बन गया तो ये आएगा अपना टू एक्स। ऑप्शन सी आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45। इफ बी इज द एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स ए, मतलब ए का अगर एडजॉइंट करूंगा तो वो बी आएगा। अल्फा इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट ऑफ ए, ए का डिटर्मिनेट करेंगे तो अल्फा आएगा। देन व्हाट इज ए इनटू बी, तो ए इनटू बी बताना है, तो ए इनटू बी, बी क्या है एडजॉइंट ऑफ ए के इक्वल है, और ए इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता है, ए का डिटर्मिनेट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ये अल्फा इनटू आइडेंटिटी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द डिटर्मिनेट इज इक्वल टू आपको बताना है, तो इसका डिटर्मिनेट बताना है किसके इक्वल है। मैं क्या कर लेता हूँ, फर्स्ट जो आर वन है उसको ए से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए ए का स्क्वायर और यहाँ ए की क्यूब, इसको बी से मल्टीप्लाई बी और यहाँ बी का स्क्वायर और यहाँ बी की क्यूब, इसको सी से मल्टीप्लाई सी, यहाँ सी का स्क्वायर यहाँ सी की क्यूब। अब मल्टीप्लाई किया तो बाहर डिवाइड भी करना पड़ेगा। अब लोग आप लोग देखो जी, फर्स्ट जो कॉलम है उसमें से ए बी सी कॉमन है और बाहर भी डिवाइड में ए बी सी और कॉमन भी ए बी सी, तो यहाँ वन वन वन, यहाँ आएगा ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, और यहाँ ए की क्यूब बी की क्यूब और सी की क्यूब, ये कैंसिल हो गया और ये आएगा आपके पास, तो ये किसके इक्वल आएगा, ऑप्शन बी के इक्वल आएगा, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू वन है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेट, तो क्या कर लेते हैं, एक्स को वन पुट कर लेते हैं, वाई और जेड को जीरो पुट कर लेते हैं, देख लो तीनों के स्क्वायर का सम वन ही आएगा, तो देख लो ये वन हो गया, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये वन और ये वन और ये जीरो ये वन और ये वन, मैंने पुट किया है एक्स को वन और वाई को जीरो, जेड को भी जीरो, यहाँ माइनस वन है सॉरी, क्योंकि एक्स को वन पुट करेंगे माइनस वन। अब डिटर्मिनेंट निकालो, वन इंटू ये रहोगे इसकी प्रोडक्ट इसके साथ, वन माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे माइनस 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 का वन, तो वन प्लस वन मतलब कितना आया, टू आया, तो इसका डिटर्मिनेंट टू ही आएगा। ऑप्शन सी आपका आंसर हो गया। तो कैसा लगा ये शॉर्ट ट्रिक, कॉमेंट करके आप जरूर बताइएगा। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है 3 है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट दे रखा है 243 है, द वैल्यू ऑफ एन बतानी है। हमें पता है ए का जो एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो ए के डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है, तो 243 जो होगा वो ए के डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन मतलब 3 की पावर एन माइनस वन के इक्वल होता है, और हमें पता है 3 की पावर 5 जो होता है वो 243 होता है, इसका मतलब n माइनस वन की वैल्यू 5, तो n की जगह 6 आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, अंडर द कंडीशन ये कहता है ए बी इंटू सी इज इक्वल टू ए बी इंटू में सी होल्ड, ये कहता है कि ये कंडीशन कब होल्ड होगी, जब बी सी और ए बी दोनों आपके एग्जिस्ट करेंगे, तब दोनों की प्रोडक्ट अगर एग्जिस्ट करेगी इसका मतलब फिर तीनों ये इक्वल ही रहेगा भाई, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर है। प्रोडक्ट ही एग्जिस्ट नहीं की तो फिर इक्वल कैसे हो जाएंगे। 50 नंबर क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर है 3x2, एक मैट्रिक्स ए है जिसका ऑर्डर क्या है अपने पास 3x2, एक मैट्रिक्स बी है जिसका ऑर्डर क्या है मेरे पास 2x3, देन अगर मैं इन दोनों की प्रोडक्ट करूंगा मतलब जो ए इंटू बी मैट्रिक्स होगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ये 2 से 2 कैंसिल, उसका ऑर्डर होगा क्या होगा, ए इंटू बी करने पर उसका ऑर्डर क्या होगा 3x3, ठीक है। इसको मैं डी से डिनोट कर लेता हूँ। अब ये कहता है व्हाट इज द डिटर्मिनेंट ऑफ के इंटू ए बी, तो ए इंटू बी का ऑर्डर कितना है 3, तो के को जब डिटर्मिनेंट से बाहर लेके आएंगे तो के की पावर 3 बाहर आएगा और पीछे बचेगा ए इंटू बी का डिटर्मिनेंट, तो ये आएगा आपका ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। सिंपल प्रॉपर्टी बताई हुई है मैंने आपको कंसेप्ट क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन 51 नंबर क्वेश्चन,
ये कहता है इस मैट्रिक्स का जो इनवर्स है उसकी प्रोडक्ट अगर इसके साथ करेंगे तो रिजल्ट ये आएगा। और ये देखो एक डायगनल मैट्रिक्स दे रखी है, और डायगनल मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, जो इसके डायगनल के एलिमेंट है उनका इनवर्स कर दो, तो ये 1/5 0 और ये 1/7 हो गया। इसकी प्रोडक्ट किसके साथ, एक्स और ये माइनस वाई इक्वल किसके आएगा, माइनस वन और टू के। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करो 1/5 इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस वन करोगे तो एक्स की वैल्यू माइनस फाइव आएगी। फिर इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करो 1/7 इंटू माइनस वाई इज इक्वल टू टू करोगे तो वाई की वैल्यू माइनस का 14 आएगी। तो ये आ जाएगा ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन, ये कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट द लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन अपने को एक तो दे रखी है 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू 4, दूसरा अपने को दे रखा है 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू में 7। अगर देखो फर्स्ट इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 4x प्लस में 6y इज इक्वल टू 8, ये दोनों क्या है पैरेलल लाइन बन गई। देखो जब x और y का कोफिशिएंट सेम हो तो वो पैरेलल लाइन होती है, कांस्टेंट टर्म क्या है डिफरेंट। तो जब x और y दोनों सेम हो और कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो, मतलब a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू है b1 डिवाइड बाय b2 बट नॉट इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2 है, तो इसका मतलब उस केस में सिस्टम ऑफ इक्वेशन का नो सॉल्यूशन होता है, आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर। और अगर आपका a1 डिवाइड बाय a2 b1 डिवाइड बाय b2 और c1 डिवाइड बाय c2 तीनों इक्वल हो, मतलब ये दोनों कांस्टेंट भी अगर इक्वल होते हैं उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53 नंबर क्वेश्चन, सपोज द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है ये कहते हैं एक्स नोट वाई नोट जेड नोट, एक्स नोट वाई नोट जेड नोट इसके सॉल्यूशन है, मतलब एक्स वाई जेड की वैल्यू है, तो एक्स की वैल्यू क्या है एक्स नोट है और वाई की वैल्यू वाई नोट है और जेड की वैल्यू जेड नोट है। देन ये कहते हैं कि अगर एक्स नोट की वैल्यू जीरो होगी, एक्स के नीचे जीरो लिखा हो इसको एक्स नोट बोलते हैं, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। मेरे बारे क्रैमर रूल ये कहता है कि एक्स इज इक्वल टू होता है डेल वन डिवाइड बाय डेल, एक्स तो अपना जीरो है दे रखा है एक्स अपना जीरो है, तो इसका मतलब डेल वन इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। और डेल वन मेरे प्यारे क्या होता है, डेल वन होता है डिटर्मिनेंट, जो फर्स्ट कॉलम आपका बनेगा उसको आप इस कांस्टेंट टर्म से मतलब बी से रिप्लेस करना, तो आएगा डी वन डी टू डी थ्री और ये एज इट इज बी वन बी टू बी थ्री और ये सी वन सी टू सी थ्री और इक्वल में क्या आएगा प्यारे ये जीरो, क्योंकि डेल वन जीरो है। तो जो देखो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया, क्रैमर रूल जिंदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, ए बी सी आर इन जी पी, ए बी सी जी पी में है तो ए को 1 मान लेता हूँ, बी को 2 मान लेता हूँ और सी को 4 मान लेता हूँ, तीनों नंबर देखो जी पी में है। देन आपको बताना ये क्या होगा, ए को हमने माना 1, बी की जगह है 2 और ए प्लस बी कितना हो जाएगा 3, बी की वैल्यू आई 2, सी की वैल्यू हमने 4 और बी प्लस सी मतलब हो जाएगा 6, ए प्लस बी कितना हो जाएगा 3, बी प्लस सी कितना हो जाएगा 6 और ये 0 है। इसका डिटर्मिनेंट देखो, अगर मैं C2 की बात करूं तो C2 में से 2 कॉमन है, 2 कॉमन लोगे बाहर, यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 2 बचेगा और यहाँ 3, अब ये दो कॉलम सेम हो गए, डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0, तो ये आ जाएगा आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए 0 बाय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कहता है एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ये है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनवर्स। ठीक है, ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट निकालना है, तो ए के इनवर्स का डिटर्मिनेंट होता है 1/ में ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल। एडजॉइंट ऑफ ए का जो डिटर्मिनेंट होता है वो इक्वल होता है ए के डिटर्मिनेंट की पावर एन माइनस वन, एन होता है ऑर्डर, ऑर्डर कितना है 2, तो ये आएगा 2-1 मतलब ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट, तो ए का डिटर्मिनेंट इसका एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालेंगे इसकी प्रोडक्ट इसके साथ तो क्या आएगा ए बी आएगा, और ये यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या आएगा 1/AB आएगा, तो आंसर आएगा डी आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे। ठीक है, आंसर क्या आएगा डी आपका करेक्ट आंसर आएगा, क्लियर है। ठीक है, कई जगह आपको 1 भी देखने को मिलेगा,
इसका आंसर डी है। नेक्स्ट 56, एल एम प्लस एन इज इक्वल टू जीरो है, देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन आपको बताना है इसका सॉल्यूशन। सबसे पहले डेल निकालते हैं, डेल मतलब ए का डिटर्मिनेंट, ये माइनस टू, ये वन वन, ये वन, ये माइनस टू, ये वन, ये वन, ये माइनस टू, ठीक है। तो इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं मेरे प्यारे। इसका शॉर्ट ट्रिक भी मैंने आपको बताया था कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए शॉर्ट ट्रिक बहुत आसान है, इसमें से एक कम करो, इसमें से एक कम करो, एक कम करोगे कितना आएगा, माइनस का थ्री आएगा, तो माइनस थ्री का इसके क्यूब कर दो और फिर प्लस में थ्री इंटू में माइनस थ्री का स्क्वायर कर दो। इसका ट्रिक बताया था मैं आपको, पहले बता देता हूँ ट्रिक क्या है, देखो फिर इस क्वेश्चन को करते हैं। जब भी ऐसा डिटर्मिनेंट बने, जैसे यहाँ फोर है, यहाँ वन वन, ये वन, ये फोर, ये वन, ये वन वन, ये फोर हो गया, मतलब डायगोनल के सारे एलिमेंट क्या है, सेम है, और बाकी सारे एलिमेंट वन है। तो ट्रिक पता है क्या है, फोर में से एक कम करोगे थ्री, तो थ्री का स्क्वायर, थ्री की क्यूब करो प्लस में थ्री इंटू में थ्री का स्क्वायर करो, ये आंसर आ गया। अब जैसे यहाँ पे है फाइव वन वन और यह वन फाइव वन, वन वन जैसे फाइव है, तो फाइव यहाँ पे आ गया, तीनों सेम है, बाकी सारे वन है, तो इसमें से एक कम करो कितना आएगा, फोर, फोर की क्यूब करो प्लस में थ्री इंटू में फोर का स्क्वायर करो। तो वैसे ही यहाँ पे है माइनस टू वन वन, वन माइनस टू वन, वन वन माइनस टू, तो क्या करेंगे, माइनस टू में से एक कम करेंगे तो माइनस थ्री होगा, माइनस थ्री का स्क्वायर प्लस में थ्री इंटू में माइनस थ्री का स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे क्यूब। अब माइनस थ्री की क्यूब करोगे माइनस का ट्वेंटी सेवन, प्लस में माइनस थ्री का स्क्वायर करोगे नाइन इंटू थ्री ट्वेंटी सेवन, तो जीरो आया। तो एक मतलब डेल आपका जीरो आ गया, डेल अगर जीरो आ गया तो ट्रीवियल सोल्यूशन नहीं हो सकता, यूनिक सोल्यूशन नहीं हो सकता। अब अपन निकालते हैं डेल वन, डेल वन मतलब फर्स्ट जो कॉलम है उसको इसके साथ रिप्लेस कर देते हैं, एल एम एन। नेक्स्ट ये दो रो कॉलम क्या रहेंगे आपके, सेम वन माइनस टू वन, वन वन माइनस टू। अब देखो अगर मैं क्या करता हूं, आर वन पे ऑपरेट कर लूं, आर वन प्लस में आर टू प्लस में आर थ्री एड करेंगे तो ये एल प्लस एम प्लस एन आएगा, वो तो जीरो है, तो फर्स्ट जो रो है वो फर्स्ट एलिमेंट जीरो, इन दोनों को ऐड करके ये करोगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, तो आंसर क्या आएगा, जीरो। डेल वन की वैल्यू क्या है, जीरो। सिमिलरली डेल टू भी आपका जीरो, सिमिलरली डेल थ्री भी आपका जीरो, और जब ये जीरो हो जाए तो इसका मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, क्रैमर रूल आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर क्वेश्चन, गाइज ये पाथफाइंडर में भी हम कर चुके हैं, मंजुल त्यागी की बुक में भी हम ये क्वेश्चन कर चुके हैं, उसमें भी आया था, इसमें भी आ गया, क्या यार। ये कहता है एक्स कोमा वाई, सिंपल है, जब भी ये दो इक्वेशन दियो आपको पता है एक्स इज इक्वल टू माइनस का, एक्स इज इक्वल टू क्या होगा अपना, माइनस का डेल वन डिवाइड बाय डेल टू, और वाई इज इक्वल टू माइनस का डेल वन डिवाइड बाय डेल, ठीक है, ये आपका रिजल्ट होता है। चलो आगे चलते हैं 58 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करेंगे, साइन टेन इंटू में कोस एटी, फिर माइनस में इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करो प्लस हो जाएगा, साइन एटी इंटू में कोस टेन, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, साइन नाइन्टी, साइन नाइन्टी वन होता है, बी आंसर आ गया। नेक्स्ट 59, इसका डिटर्मिनेंट अपने को 20 दे रखा है, देन पी की वैल्यू क्या होगी, तो सिंपल है डिटर्मिनेंट निकालो टू इंटू में, देखो ये दोनों जीरो है तो टू को लेकर निकालो, ये रो गई और ये कॉलम, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ की फाइव प्लस में फाइव पी और माइनस में जीरो इज इक्वल टू में ट्वेंटी, ये आएगा टेन प्लस में टेन पी इज इक्वल टू ट्वेंटी, तो टेन पी इज इक्वल टू टेन, पी की वैल्यू वन आ जाएगी, बी आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर क्वेश्चन, 1070 बार कर चुके हैं गाइस, मैंने आपको बताया था कि जब ए बी इज इक्वल टू ए हो और बी ए इज इक्वल टू बी हो, देन ए का जो स्क्वायर है वो ए के इक्वल होता है और बी का जो स्क्वायर है वो बी के इक्वल होता है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, दोनों साइड ट्रांसपोज करेंगे तो ए के स्क्वायर का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, और इसको मैं लिख सकता हूँ ए ट्रांसपोज का स्क्वायर इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो ये आ जाएगा ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन, इसकी प्रोडक्ट अगर ए से करेंगे तो ये आएगा, तो ए क्या है, कर लेना भाई, ट्राई कर लेना खुद से, ऑप्शन की हेल्प से करो, पहले इस ऑप्शन को ले लो, इन दोनों की प्रोडक्ट करने पर रिजल्ट ये आना चाहिए, तो कितनी बार कर चुके हैं ये क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 गाइस, ये कहता है अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द सिस्टम इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन कब होता है गाइस,
जब आपका डेल इज इक्वल टू जीरो हो, या डेल वन नॉट इक्वल टू जीरो, या डेल टू इज नॉट इक्वल टू जीरो, या डेल थ्री नॉट इक्वल टू जीरो। डेल इज इक्वल टू जीरो, डेल क्या होता है हमारा के वन वन वन, यहाँ के यहाँ वन 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 के, तो ये डेल है, डेल आपका इक्वल टू जीरो आना चाहिए। अब डेल इक्वल टू जीरो कब आएगा, जब के की वैल्यू वन होगी। देख लो, के अगर वन 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 करूँगा तो डेल इज इक्वल टू आपका जीरो आ जाएगा। दूसरा, अगर मैं के की वैल्यू माइनस टू पुट करता हूँ, चेक कर लो क्योंकि ऑप्शन में या तो वन है या माइनस टू है, तो आप पुट करो यहाँ पे। अगर माइनस टू पुट करूँगा तो यह आएगा माइनस का टू, ये वन ये वन ये वन ये माइनस टू, वन 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 माइनस टू। इसी वीडियो में मैंने ट्रिक बताई थी, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इसमें से एक कम करो, माइनस थ्री की क्यूब और फिर प्लस में थ्री इंटो में माइनस थ्री का स्क्वायर, तो माइनस का 27 प्लस का 27 कैंसिल होके जीरो। तो माइनस के की वैल्यू वन पे भी और माइनस टू पे भी, दोनों पे आपका डेल जीरो आ रहा है। अब करते हैं बात डेल वन की। अगर डेल वन भी जीरो आ जाए, डेल टू भी जीरो आ जाए और डेल थ्री भी जीरो आ जाए, तो उस केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाता है ना। डेल वन क्या होता है, डेल वन हमारे पास होता है डिटर्मिनेंट, जो फर्स्ट अपने को ये दिया हुआ है के माइनस वन के माइनस वन के माइनस वन, उसको रिप्लेस करेंगे तो ये वन ये के ये वन ये वन वन ये के। मेरे पहले सी वन पहले ये बनेगा, के को वन पुट करेंगे, तीनों भी तीनों जीरो, डेल जेड जीरो आएगा। सिमिलरली डेल टू निकालेंगे तो सी टू आपके पास ये बनेगा, फिर वो भी जीरो, डेल थ्री भी आपका जीरो। तो आपके पास के की वैल्यू वन पुट करने पर डेल वन डेल टू डेल थ्री तीनों जीरो बन रहे हैं, तो फिर उस केस में तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका मतलब के की वैल्यू वन नहीं हो सकती, ठीक है। अब के की वैल्यू आप माइनस टू पुट करके देखो, माइनस टू पुट करने पर डेल वन की वैल्यू नॉट इक्वल टू जीरो आएगी, इसका मतलब डी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन, ए और बी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू, अगर बी ए है तो गाइज ए बी इज इक्वल टू अगर बी ए है तो आप यहाँ प्रोडक्ट करके देखो, इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे तो ये आएगा ए, और जब इसकी प्रोडक्ट इसके साथ करोगे आएगा टू बी, जब ये करोगे तो ये आएगा थ्री ए और ये आ जाएगा फोर बी। इक्वल आएगा बी ए के तो फर्स्ट ये आ जाएगा ए, इसके साथ करोगे तो ये आएगा अपना टू ए, और जब ये करोगे तो ये आएगा अपना थ्री बी और ये अपना फोर बी आएगा। अब दोनों इक्वल कब होंगे, जब ये इसके इक्वल हो, तो यहाँ से ए इज इक्वल टू बी आ गया। ए क्या है, नेचुरल नंबर है, तो इनफाइनाइट नंबर होंगे, तो इसका मतलब इनफाइनाइट बी एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन, एम गिवन है, आपको बताना है एम इज इनवर्स एग्जिस्ट करेगा कब, जब रीजन स्टेटमेंट, दो स्टेटमेंट दे रखी है गाइस, एक तो ए दे रखी है एक बी। अगर मैं एम का डिटर्मिनेंट निकालूं तो ये भी जीरो ये भी जीरो, के को लेकर निकाल लेते हैं, के इंटू में ये रो गई ये कॉलम, तो ये आएगा थ्री माइनस में सिक्स, तो आंसर आया माइनस का थ्री के, सॉरी थ्री माइनस में एट, आंसर आया माइनस का फाइव के। तो एम का डिटर्मिनेंट आया माइनस का फाइव के। अब अगर के जीरो हो गया तो एम इन्वर्टिबल नहीं होगा, इसका मतलब के नॉट इक्वल टू जीरो, के अगर नॉट इक्वल टू जीरो है तो इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, इसका मतलब बी इम्प्लाइज ए, अगर के नॉट इक्वल टू जीरो इसका मतलब ये करेगा। अब दूसरा, अगर इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ये मान के चुनूं कि इनवर्स एग्जिस्ट करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है इसका मतलब एम का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, इसका मतलब फाइव माइनस का फाइव के नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब के नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए इम्प्लाइज बी, तो ए इम्प्लाइज बी एंड बी इम्प्लाइज ए, तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, गाइज आर वन पे ऑपरेट करते हैं, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री ऑपरेट करेंगे तो फर्स्ट जो रो है वो बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी बनेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड और ये बनेगा टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। फर्स्ट रो में से एक्स प्लस वाई प्लस जेड कॉमन है, इक्वल में क्या है जीरो, तो यहाँ से एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा जीरो, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या आएगी माइनस जेड के इक्वल आएगी। तो सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में ये है, बाकी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, बी आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, के की वैल्यू क्या होगी, इसका डिटर्मिनेंट इसके इक्वल है। तो मेरे प्यारे, सबसे पहले अपन सिंपल कर लेते हैं, ए को जीरो मान लो, बी को वन मान लो और सी को टू मान लो। तो फर्स्ट कॉलम में से तो के कॉमन है, के बाहर निकले, ये वन 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 हो गया। बी प्लस में सी, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये थ्री आएगा। सी प्लस में ए, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये टू आएगा। ए प्लस में बी, इन दोनों को ऐड करोगे तो ये वन आएगा। बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये फाइव आएगा। सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर करोगे तो ये फोर आएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वन वन आएगा।
इज इक्वल टू में यहाँ भी वैल्यू पुट करनी है, जीरो माइनस में वन तो माइनस का वन, और ये टू माइनस वन माइनस में टू, सॉरी वन माइनस में टू तो ये में माइनस वन, और ये आए टू माइनस में जीरो तो ये टू आएगा। अब इसका डिटर्मिनेंट निकल के इंटू में वन इंटू में, इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालोगे वो तो टू आएगा, इज इक्वल टू में टू तो के की वैल्यू वन आएगी। ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर है, ऐसे कर सकते हो। कितना बड़ा क्वेश्चन, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 नंबर क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। एक चीज मैं बताता हूँ, ए इज इक्वल टू जब भी आपको दिया हो जीरो जीरो माइनस वन, जीरो माइनस वन जीरो, माइनस वन जीरो जीरो, या आपको ए इज इक्वल टू दिया हो जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो और वन जीरो जीरो, ठीक है। ये दोनों से मैट्रिक्स अगर आपको गिवन हो, याद रखना यही होना चाहिए, यहाँ माइनस वन माइनस वन माइनस वन, यहाँ वन 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 हो, दोनों में से कोई भी हो, तो उस केस में ए जो होता है उसको इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स, ये दोनों ही इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है, मतलब इसका जो ए का स्क्वायर है वो आइडेंटिटी के इक्वल आता है। तो इसका आंसर आएगा डी, आपका करेक्ट आंसर। आप लोग करके देख लो, ए का स्क्वायर निकाल के देखो, आपका आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट 68, ए गिवन है, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बताना है, तो ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होता है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी। ए का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या आएगा, ये आएगा इसकी प्रोडक्ट 12 माइनस 2 10 आएगा, तो 10 इंटू आइडेंटिटी, तो ये आ जाएगा ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन, द इनवर्स अभी बताया था, ये देखो ए इज इक्वल टू जो अभी बताया था वही, और मैंने बताया था ये इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स होता है, मतलब ए स्क्वायर इज इक्वल टू आइडेंटिटी होता है, और इनवोल्यूटरी मैट्रिक्स में जो ए का इनवर्स होता है वो ए के ही इक्वल होता है, तो इसका इनवर्स यही खुद ही आएगा, बी आंसर आएगा। 70 नंबर क्वेश्चन, ए और बी दो सिमेट्रिक है, मतलब ए का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए है, बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी है, देन कहते हैं कि ए बी सिमेट्रिक होगा। मेरे प्यारे ए बी सिमेट्रिक एक ही केस में होता है, इसके लिए केस होता है सिर्फ, क्या जब ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा ना तब भी ये सिमेट्रिक होता है, वैसे नहीं होता है, तो ये गलत है भाई। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सिमेट्रिक होगा 100%, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स का सम भी सिमेट्रिक होता है, उनके स्क्वायर का सम भी, उनके क्यूब का सम भी हमेशा सिमेट्रिक आता है, डिफरेंस भी, तो सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, बी आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन, ए दे रखा है एम दे रखा है, ये एम इज इन्वर्टिबल, इन्वर्टिबल कब होगा जब एम का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो आए, लेकिन अगर मैं एम का डिटर्मिनेंट निकालूंगा 40 माइनस 40 जीरो आ रहा है, तो एम का डिटर्मिनेंट तो जीरो आ रहा है, इसका मतलब नॉट इन्वर्टिबल है भाई, खत्म, पहला खत्म। दूसरा कहता है एम सिंगुलर है, एम सिंगुलर है क्योंकि एम का डिटर्मिनेंट जीरो है, दूसरा करेक्ट है, तो ए इज फॉल्स आर इज ट्रू, ऑप्शन डी आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 72 नंबर, एक्स और वाई 2x2 की मैट्रिक्स है, ये अपने को रिलेशन है, देन वाई की वैल्यू पूछी है, कर लोगे गाइज, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है यार, 12th क्लास का, सिंपल जैसे दो इक्वेशन को सोल्व करते हैं वैसे करना, ठीक है। 73 नंबर क्वेश्चन, ए बी सी नॉन जीरो मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट इक्वल टू जीरो है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, गाइज वन वन प्लस ए वन 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 प्लस बी वन 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 प्लस सी, इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो हमेशा इक्वल होता है ए बी सी, वन प्लस में वन बाय ए वन बाय बी और वन बाय सी के इक्वल, याद रख लो ये चीज़। देखो यहाँ पे अगर मैंने दिया 2 1 1, यहाँ दे दिया 1 3 1 और यहाँ दे दिया 1 1 4, ठीक है। तो यहाँ देखो ध्यान से, अगर मैं ए की जगह 1 पुट करूँ और बी की जगह अगर 2 पुट करूँ और सी की जगह अगर 3 पुट करूँ, तो ये रिजल्ट बनता है नहीं बनता, बनता है। इसका डायरेक्ट अगर डिटर्मिनेंट निकालोगे तो क्या होगा, ए इंटू बी इंटू सी, मतलब 1 × 2 × 3, इन तीनों में से एक एक कम कर दो, प्रोडक्ट लिख दिया, 1 प्लस में 1 बाय पहले ये 1 प्लस में 1 बाय ये 2 प्लस में 1 बाय 3, तो ये रिजल्ट आ गया डायरेक्ट। अब इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो ये होता है, और ये अपने को इक्वल टू जीरो दे रखा है, ए बी सी उधर जाके जीरो, तो यहाँ से 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो, प्लस का 1 उधर जाके माइनस का 1 हो जाएगा, सी इसका आंसर आ जाएगा। 74, एक मैट्रिक्स ए है सिमेट्रिक भी है और स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी हो स्क्यू सिमेट्रिक हो दोनों हो तो उसका मतलब वो नल मैट्रिक्स होगी, बी आपका आंसर। 75 नंबर क्वेश्चन, ए कहता है कि विच वन ऑफ द सिमेट्रिक, सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के इक्वल नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है। एंटी सिमेट्रिक मतलब स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है क्योंकि स्क्यू सिमेट्रिक में डायगोनल के एलिमेंट जीरो होते हैं।
सिंगुलर चेक कर लेंगे भी, डिटर्मिनेंट निकाल लो वन इंटू में, तो ये आएगा वन प्लस में फोर माइनस टू इंटू में, ये रो गया ही कॉलम, तो ये आएगा टू प्लस में सिक्स और माइनस में थ्री इंटू में, ये रो गया कॉलम, तो ये आएगा फोर माइनस में थ्री, यह फाइव और बारह दूनी चौबीस और ये करोगे माइनस में थ्री, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो आएगा, नॉन सिंगुलर रहेगा भाई, डी आंसर आएगा। 76 नंबर क्वेश्चन, अगर ये कहता है कि ये इसके इक्वल है देन लैम्डा की वैल्यू बताओ। अगर आप लोग देखो फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन है, टू कॉमन है, ले लिया भाई, यहाँ बचेगा ए, यहाँ बचेगा टू बी और यहाँ बचेगा माइनस का सी। सेकेंड कॉलम में से क्या कॉमन है, थ्री कॉमन है भाई, थ्री बाहर में निकाल लो, निकाल लिया भाई, यहाँ बचा आर, यहाँ बचा टू एस और यहाँ बचा माइनस का टी, तो यहाँ बचा एक्स, यहाँ टू वाई, यहाँ माइनस का जेड और इक्वल में है लैम्डा इंटू में ये ए आर एक्स बी एस वाई और सी टी जेड। अब देखो सेकेंड जो रो है उसमें से क्या कॉमन है, टू कॉमन है, टू को कॉमन ले लो, बाहर निकाल लिया भाई। थर्ड जो रो है उसमें से माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया भाई। अब देखो ये वाला और ये वाला सेम बन गया, तो ये इससे कैंसल, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी छः दूनी माइनस का बारह, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट, इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है, जितना बड़ा है उतना ही छोटा है। आर थ्री पे ऑपरेट करूं अगर मैं कि आर थ्री प्लस में आर टू दोनों को ऐड कर दो और इसमें से आर वन को माइनस कर दो। देखो गाइज इन दोनों को अगर ऐड करूंगा तो देखो ओमेगा स्क्वायर से माइनस का ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, और इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये वन माइनस आइटा आएगा, ये प्लस का आइटा और माइनस का टू आइटा, तो माइनस का आइटा, तो ये वन, तो मतलब R1 और R2, देखो R3 और R2 को इन दोनों को ऐड किया तो 1 माइनस आइटा आया, और इसमें से R1 माइनस करना है तो इसको माइनस करोगे तो 1 माइनस आइटा माइनस में 1 माइनस आइटा, ये जीरो हो गया। फिर सिमिलरली इन दोनों को ऐड करोगे, ये इससे कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करोगे तो ये भी जीरो। सिमिलरली ये इससे कैंसिल, इसमें से इसको माइनस करोगे, ये भी जीरो। पूरी की पूरी रो ही जीरो बन गई, तो डिटर्मिनेंट जीरो, डी आंसर है। 78 नंबर क्वेश्चन, ए इज इक्वल टू ये दे रखा है, देन आपको बताए नहीं इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ए क्या है, स्केलर मैट्रिक्स है, ठीक है, स्केलर मैट्रिक्स की जितनी भी पावर करो, अगर ए की पावर 100 करेंगे तो इसके एलिमेंट्स की पावर 100 कर दो, ओमेगा की पावर 100, 0, 0, ओमेगा की पावर 100 कर दो। ओमेगा की पावर 100 क्या होता है, ओमेगा होता है, इसको मैं लिख सकता हूँ ओमेगा की पावर 99 इंटू ओमेगा, ये 1 हो जाता है, ये 0, 0, ये ओमेगा, और ये वापस से ए ही बन गया, घूम फिर के ए आ गया, आंसर ए हो गया। तो 79 नंबर क्वेश्चन, एक मैट्रिक्स है एक्स जिसके अंदर ए प्लस बी रो है और ए प्लस टू कॉलम है, तो एक्स के अंदर रो कितनी है, मतलब ऑर्डर क्या हो गया इसका, ए प्लस बी इंटू में ए प्लस टू ऑर्डर हो गया। एक मैट्रिक्स बाय है जिसके अंदर बी प्लस वन रो है इंटू में कॉलम कितने, ए प्लस थ्री। एक्स वाई और वाई एक्स दोनों एग्जिस्ट करते हैं, तो ए और बी की वैल्यू क्या होगी, x इंटू वाई एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल हो, तो a प्लस में टू इज इक्वल टू b प्लस में वन, b को इधर ले आओ तो a माइनस में b, इस टू को उधर लेके जाओ, माइनस वन के इक्वल हो, फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और y x एग्जिस्ट कब करेगा, जब इसके कॉलम इसकी रो के इक्वल हो, तो a प्लस में थ्री इज इक्वल टू a प्लस में b, a से a कैंसिल, b की वैल्यू आई थ्री, यहाँ पुट करते हैं तो a की वैल्यू आ जाएगी टू, तो ऑर्डर a की वैल्यू टू, b की वैल्यू थ्री, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80, इसका डिटर्मिनेंट 2 है तो इसके वैल्यू बतानी है। देखो गाइस फर्स्ट जो कॉलम है उसमें से क्या कॉमन है, 2 कॉमन है, ले लिया, तो यहां 3a बचेगा, यहां l बचेगा, यहां p बचेगा, ठीक है, ये आया 3b और यहां m और यहां q। थर्ड जो कॉलम है उसमें से क्या कॉमन है, 5, तो यहां 3c और यहां n और यहां r बचेगा, 5 को बाहर निकाल लिया। अब देखो फर्स्ट रो में से क्या कॉमन है, थ्री कॉमन है, थ्री कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया। अब ये बचा और इसका डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, टू, तो इसके मल्टीप्लाई में टू, पाँच दिया पंद्रह, पंद्रह चौके साठ, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 80 गाइस। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 80 तक का ही सॉल्यूशन करवाऊंगा। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी शाबाश कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस, ठीक है। और इसकी दिशा पब्लिकेशन की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे हम, आरएस अग्रवाल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, ठीक है। पाथफाइंडर की बुक का, मंजुल त्यागी की बुक का, सब वीडियो का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा, ठीक है गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, एंड प्लीज़ कमेंट करके आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों की ये क्लास कैसे लगी। ओके,
तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।